एवरीवन, मैं हूँ इंक्रीज ब्यूटी सेरी। तो आपका अपने चैनल इंक्रीज ब्यूटी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वैसलीन के बेनिफिट्स। तो वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। वैसलीन जो है हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो जो वैसलीन है उसका यूज़ हम करते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। सर्दियों में जब आपकी स्किन फट जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, तो ये आपके स्किन को ड्राइनेस को कम कर देता है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपके स्किन को मिलते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। फर्स्ट रेमेडी, रिमूव अंडर आई डार्क सर्कल्स। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप एक क्लीन बाउल ले लीजिए और देन उसके अंदर आप ऐड करेंगे वैसलीन का भर करके एक स्पून, और उसके अंदर ऐड करनी है आपको लेमन जूस यानी कि नींबू के रस की कुछ बूंदें, और अच्छे से इसे मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लीजिए। अब इस पेस्ट को जो है आप जो अपनी अंडर आइज जो आपके डार्क सर्कल्स हैं तो वहाँ पर आप इसे लगा लीजिए, और एक घंटे तक आपको अपने स्किन पर इसे रखना है। 5-10 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद एक घंटे के लिए रखिए। फिर आपको कॉटन पैड से इसे रिमूव कर देना है। ऐसा 7 डेज़ तक कीजिए, आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे डेफिनेटली से। एंटी एजिंग क्रीम बनाएंगे हम वैसलीन से। इसके लिए आप एक क्लीन बाउल ले लीजिए और आपको वैसलीन लेना है, और वैसलीन के 2 स्पून आपको अपने बाउल के अंदर ऐड कर लेने हैं। देन आपको जो है इस वैसलीन को डबल वॉयलर की मदद से आपको जो है मेल्ट कर लेना है। डायरेक्टली आप मेल्ट ना करें, आपको डबल वॉयलर की मदद से ही मेल्ट करना है। देन आपका जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए वैसलीन, देन आप इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आपको प्लांट वाला बिल्कुल से नहीं लेना है, आप मार्केट वाला लेंगे और वो किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए। ये रोज वाटर, तो आप घर वाला या मार्केट वाला कोई सा भी ले लें, और अच्छे से आप इसको मिला लेंगे तीनों चीज़ों को। विटामिन ई कैप्सूल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और एक स्मूथ टेक्सचर्स की आपकी क्रीम रेडी हो जाएगी। अब इस क्रीम को आपको डेली रात को लगाना है अपने चेहरे पर, और आपको फेस को वॉश नहीं करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप फेस वॉश करेंगे, ऐसे ही सो जाना है लगाकर। ऐसा करने पर आपकी स्किन जो है रिंकल फ्री होगी, यूथफुल बनेगी और ग्लोइंग भी हो जाएगी। वो है डार्क स्पॉट्स की ट्रीटमेंट। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं या निशान है, तो उसके लिए आपको इस रेमेडी को ट्राई करना होगा। तो सबसे पहले एक क्लीन बाउल ले लीजिए, और उसके अंदर आपको 1 स्पून के करीब वैसलीन ऐड कर लेना है। देन कच्चा दूध आपको 1/2 स्पून के करीब ऐड करना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आपका एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। और इसे फिर आपको अपनी स्किन पे 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है, और फिर 20 मिनट के बाद आप अपनी स्किन को कॉटन पैड से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और फिर आपको अपनी स्किन को ठंडे पानी से धो लेना है। ऐसा कंटिन्यू करने पर आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स से रिमूव होना स्टार्ट होंगे। आपकी डैमेज हेयर की ट्रीटमेंट, तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके जो रफ टफ बाल हैं वो बिल्कुल स्मूथ होंगे। इसके लिए आपको जो है एक क्लीन बाउल लेना है, और उसके अंदर वैसलीन का 1 स्पून ऐड कर लीजिए, और देन एक आपको अंडा लेना है, अंडे का सफ़ेद पार्ट जो है उसको ऐड कर लेना है आपको बाउल के अंदर। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, पेस्ट बन जाएगा। अब इसे आपको अपने बालों पर 30 मिनट्स के लिए लगा लेना है। 30 मिनट्स के बाद आपको जो है कम गर्म पानी से अपने बालों को धो लेना है, और देन फिर आप जो है शैम्पू कर लीजिए अपने किसी हर्बल शैम्पू से। ऐसा करने पर आपके जो बाल हैं वो सॉफ्ट स्मूथ सिल्की होना स्टार्ट होंगे, रेगुलर इस्तेमाल से ग्रोथ भी होनी स्टार्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आज का आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर किसी नए अपलोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।